Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना असगर अली और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बाजवा। भाई यहां पर वीवो को अपनी छठी एनिवर्सरी मुबारक हो, लेकिन एनिवर्सरी पर हमारे मुंह पर एक थप्पड़ जरूर मार दिया है। चीटिंग 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 करता है तू। एक फोन वीवो Y02, भाई ये मैंने इसलिए कहा कि भाई आजकल दौर है सस्ते फोन का, और आ गया है वीवो Y02 3GB 32GB के साथ 45,000 रुपए की प्राइस में। फोन अगर हम लेटेस्ट फोन की बात करें, रेडमी 12 सी आया, चाहे कैसा भी फोन था, लेकिन 4GB 128GB कम प्राइस में, 35,000 की प्राइस में, चाहे वो कितनी भी प्राइस में मिल रहा है, लेकिन इससे कम मिल रहा था। और उसके बाद भाई स्पार्क 10C टेक्नो की तरफ से 4GB 128GB, वो भी आपको 35 में मिल रहा था, 31 वैसे प्राइस है, 35, 37, 39 तक मिल रहा था, वो भी इससे कम। उसके बाद आप रियलमी नार्जो 50 देखिए, वो आपको 4GB 64GB अच्छे फीचर्स के साथ 40,000 में मिल रहा था, लेकिन महंगा मिल रहा है वो, चलो 42-43 तक मिल रहा होगा भाई। उसके बाद देख लें स्पार्क की तरफ से, चाहे कैसा भी फोन था, जो भी कमियां थी उसमें वो मैंने बता दी, चलो 6GB 128GB था, वो भी इससे बेहतर फोन। लेकिन ये भाई 3GB 32GB किस खुशी में लॉन्च कर रहे हैं, कौन से सस्ते नशे में भाई, गजब बेइज्जती है भाई। वीवो Y02 आपको खरीदना चाहिए या नहीं, इस बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, ये आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को कंप्लीटली देखेगा, चैनल वाले सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, मुझे पता है आप सब्सक्राइब कर देते हैं, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी हमारी, जो भी हम बनाते हैं, हर किस्म की पबजी वो सारा कुछ मिक्सम मिल जाएगा। अब सबसे पहले भाई वीवो Y02 की प्राइस देख लें कि 45,000 रुपए की प्राइस में लॉन्च किया गया है 3GB 32GB, पता नहीं क्या सोच के लॉन्च किया है, लोग काफी मंगवाया ही नहीं है दुकानदारों ने कि भाई ये तो बिकेगा ही नहीं, डिजाइन देख के सिर्फ थोड़ी लोग लेंगे, काफी लोग लेते हैं डिजाइन देख के, लेकिन ये कह रहे हैं पड़ा रहेगा मार्केट में, तो मैंने भी इसलिए अनबॉक्सिंग नहीं की। अगर कहीं से मिल गया दोस्तों, स्टॉक ही नहीं आया, मिल गया तो जरूर हम अनबॉक्सिंग भी करके आपको अलग से भी दिखा देंगे, शौक पूरा कर लेंगे आपका, रुको जरा सबर करो। देखिए दोस्तों, वीवो इसे कहता है मून डिजाइन दिया भाई, चांद उतार के जमीन पर रख दिया है, ये चांद का हमें इतना महंगा पड़ेगा ना ये, कि आपको इतना अंदाजा नहीं कि 3GB 32GB के अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, ना कैमरे अच्छे ना कुछ, वो तो आगे चल के आपको बता ही रहा हूँ। खैर, और इसमें जो डिस्प्ले लगाया गया वो भी इतना हाईफाई डिस्प्ले है कि बड़े बड़े 2-3 लाख वाले फोन में नहीं होता। IPS LCD वाला 6.51 इंच का HD+ की रेजोल्यूशन है भाई, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, ओहो, ये तो किसी फोन में आया ही नहीं है भाई। तो सीधी बात ये करता हूँ, टके का डिस्प्ले भी दिया गया, हाई रिफ्रेश रेट है, नॉच वाला डिस्प्ले वही चिपका दिया गया है, और नॉर्मल क्वालिटी का डिस्प्ले। तो भाई वीवो ने समझा हुआ है कि अवाम को हम जैसा मर्जी फोन देंगे वो बाय कर लेंगे भाई, तो यही तो फिर आपकी मर्जी है भाई, बाय कर लें आप। तो इसके अलावा जो प्रोसेसर दिया गया है, पुराने दौर का, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, P22 हीलियो P22 प्रोसेसर जो है, जो उस वक्त आया था, वो आपको इस फोन में मिलता है, मतलब कमाल कर दिया है कि यार मौज कर दी भाई वीवो ने, और क्या कह सकते हैं हम, यही कह सकते हैं भाई आपको ये फोन खरीदना ही पड़ेगा, इतनी गेमिंग तगड़ी है इसमें जिसका कोई अंदाजा नहीं, भाई समझने वाले समझ ही जाएंगे। और इस फोन में आपको जो कैमरास मिलते हैं भाई, ड्यूअल ट्रिपल 5-8 कैमरास लगा रहे हैं कंपनीज वाले, लेकिन यहां पर आपको सिंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है, जान ही छुड़ा दी भाई, उन्होंने कहा एक कैमरा देंगे अच्छा देंगे, 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगा दिया है, फ्रंट आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। तो बहरहाल भाई कोई भी कुछ भी करने को तैयार है, वीवो वाले कह रहे हैं भाई हम चाहे 1 मेगापिक्सल का कैमरा दे दें, आवाम बाय कर ही लेगी, वीवो नाम ही काफी है। तो ये आपकी मर्जी है भाई, देखने वालों व्यूअर्स, कि आप इसे भाई करते हैं या नहीं करते हैं, हम हकीकत बताते जा रहे हैं भाई। लास्ट में 5000 एमएएच की बैटरी और 10 वाट की चार्जिंग है, सुपर फास्ट चार्जिंग तक पहुंच गई, अब हम यहां पर 200 वाट की चार्जिंग आ चुकी है, ऊपर टेक्नोलॉजी जा रही है, 300 वाट की चार्जिंग का भी कंपनी सोच रही है। तो बहरहाल यहां पर 10 वाट की स्लो चार्जिंग ही हमें मिल रही है, बहरहाल 43,000 का फोन है। काफी कमेंट करेंगे कि आपको आईफोन चाहिए, क्या आपको सैमसंग के ए सीरीज वाले फोन चाहिए, या वीवो के बहुत बड़े फोन चाहिए 43,000 में, और क्या दे दे कंपनी भाई, दूसरी मिसालें भी तो पड़ी है दूसरी कंपनीज की, वो क्यों दे रहे हैं। तो आप ये देख लेंगे, कैमराज भी ठकेगा नहीं है, ना प्रोसेसर अच्छा है, सिर्फ डिजाइन का झांसा देकर आवाम को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो भाई मेरा ख्याल ये, मैं सीधी आपको राय देना चाहूंगा भाई, ओपिनियन यही है कि 45,000 की प्राइस में बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, डोंट बाय दिस फोन, बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आगे आपकी मर्जी, आवाम जैसा भी करे। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपकी इजाजत, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।